देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज चर्चा करेंगे देव गुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे। पहले कुछ दिनों से वक्र गति से चल रहे थे। वक्र गति से जब भी कोई शुभ ग्रह चलता है तो काफी सारी समस्याएं आपके जीवन के अंदर आती है। तो स्पीड काफी कम थी, स्पेशली बृहस्पति फाइनेंस के लॉर्ड माने जाते हैं, तो फाइनेंशियली जो क्रैशेस हो रहे थे मार्केट के अंदर, उससे लोग निकलकर बाहर आएंगे बृहस्पति के मार्गी काल में। देव गुरु बृहस्पति का जो मार्गी काल होगा वह कब से कब तक होगा? इस समय धनु राशि में ही विराजित है वह केतु के साथ मूल त्रिकोण अपनी खुद की राशि, लेकिन वह वक्र गति से चल रहे थे, अभी मार्गी होने जा रहे हैं। 12 सितंबर 2020 शुद्ध आश्विन कृष्ण पक्ष तिथि दसवें दिन शनिवार को वह मार्गी हो जाएंगे, जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी गुरुवार 19 नवंबर 2020 तक वह धनु राशि में ही मार्गी रहेंगे। उसके पश्चात राशि को परिवर्तित करके और वह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मार्गी काल में कितनी सारी खुशियां कर्क राशि वालों को मिलेगी, इसी पर चर्चा करूंगा। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति षष्ठम भाव में स्वगृह विराजित रहेंगे केतु के साथ। अब इससे क्या हानि और क्या लाभ होगा, इस पर आगे बढ़ते हैं। षष्ठम भाव यानी कि रोग, शत्रु और खर्च। तो सबसे पहले आपको शत्रुओं से इस मार्गी काल के अंदर सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। कारण यह है कि स्थान हानि करो जीव, जिस भाव में बृहस्पति बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं। शत्रुओं को कहीं ना कहीं आप परास्त करने में यहाँ पर बहुत ज्यादा कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक इस कार्य को करते हुए अपने काम को निकालने में ही बहादुरी होगी। उसके साथ साथ में अगर किसी भी प्रकार का रोग पुराना या फिर नया आपके शरीर में है, या आपको अनुभव होता है कि मुझे कोई रोग हो रहा है, तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट करवा लेने में ही आपको लाभ रहेगा, अन्यथा बाद में परेशानियां आपकी बढ़ सकती है। उसके साथ साथ अगर आपने कर्ज लिया है तो सावधानी पूर्वक उसको चुकाने का प्रयास करना चाहिए। नए कर्ज की स्थिति अगर बन रही है तो आप प्रयास करें कि नया कर्ज इस मार्गी काल के अंदर ना लें, तो वह आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक सिद्ध होगा। अब बृहस्पति यहां विराजित होकर षष्ठम भाव में, जैसे कि आप सभी को पता है कि बृहस्पति के पास तीन दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। तो यहाँ पांचवी जो दृष्टि होगी, पांचवी दृष्टि से वह 10th हाउस यानी कि दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इससे आपको क्या लाभ होगा? दशम भाव पर दृष्टि पड़ने से सबसे पहले मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा, जहां आपको पहले कम मिल रहा था वहीं अब बहुत ज्यादा मिलने की संभावनाएं यहाँ पे दिखाई दे रही। मार्गी काल के अंदर जो उनकी पांचवी दृष्टि होगी वह दशम भाव पर पड़ने से, जहां आप प्रमोशंस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे कि मेहनत तो मैं कर रहा हूं लेकिन लाभ कोई और उठा रहा है, तो प्रमोशंस के लिए आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। थोड़ा सा एफर्ट आपको प्रमोशन दिलाने में काफी हद तक कामयाब रहेगा। उसके अलावा अगर आप नौकरी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं पिछले काफी दिनों से और नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, इस समय अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं यानी कि हल्की सी कोशिश रंग लाएगी और आपको मन चाही नौकरी भी दिलवाएंगे बृहस्पति। अब षष्ठम भाव में विराजित होकर जो उनकी सातवीं दृष्टि होगी वह होगी 12th हाउस यानी कि 12वें भाव पर, जिससे कि आपके जीवन के अंदर भाग दौड़ काफी सारे हो सकते हैं लेकिन वे भाग दौड़ आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब यहाँ पे षष्ठम भाव से जो सातवीं दृष्टि है और 12th हाउस पर पड़ने से शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर स्पेशली कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर किसी मामले में आप फंसे हुए थे लंबे समय से, तो वहां पे आपकी जीत लगभग निश्चित दिखाई दे रही है। खर्च को बढ़ाने का कार्य करेंगे लेकिन वहां प्रॉफिट भी आपको जबरदस्त दिलाने का कार्य करेंगे, इसलिए खर्च करिए लेकिन अच्छे कार्यों में आपका खर्च होगा। विदेश से किसी प्रकार का कोई कनेक्शन है तो आप वहां काफी हद तक लाभ प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। अब उनकी जो नवी दृष्टि है वह 2nd हाउस पर पड़ेगी यानी कि द्वितीय भाव पर, तो स्पेशली पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई विवाद जो कि काफी समय से चला आ रहा था, उन उलझनों में फंसकर आप बहुत ज्यादा अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, उससे निकलकर
और अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में आप पाएंगे इस बीच, इससे आपकी खुशियां कई गुनी ज्यादा बढ़ेंगी। कुटुंबी जनों से जो अनबन की स्थिति काफी समय से चली आ रही थी, उसमें भी आप निकलकर और कहीं ना कहीं एक सेफ जोन में जाने में कामयाब रहेंगे। वहीं आपका खर्च बहुत ज्यादा पहले हो रहा था, सेविंग्स बहुत कम हो रही थी, उसके अंदर भी आप कामयाब होंगे। आपकी सेविंग होगी यानी कि आपकी बचत काफी हद तक होनी शुरू हो जाएगी। लोग जहां पहले आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो पा रहे थे, आपके पूरे एफर्ट लगाने के बाद भी वही आपकी वाणी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, लोग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, जिससे आपके कई सारे बिगड़ते हुए काम बनने में आप कामयाब रहेंगे। मित्रों, जो भी कमजोर कड़ी मैंने इसके अंदर आपको बताई है, उन कड़ियों को बेहतर बनाने में, अपने जीवन के अंदर सफलता को और भी जोर शोर से प्राप्त करने में आप कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए कुछ छोटे उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। बृहस्पति बार के दिन आप पीला वस्त्र धारण करें। प्रतिदिन घर से निकलते समय अष्टगंध चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। जल में अष्टगंध चंदन पाउडर या फिर हल्दी पाउडर डालकर आप स्नान करें और साथ ही साथ में विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें या उसको श्रवण करें, उससे कई गुना अधिक लाभ आपको मिलेगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आप अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में किसी समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उस समस्या से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।